नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ ऐसी सूचनाएं के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जूनियर भर्ती में आवेदन कर चुके हैं, करना चाहते हैं या फिर एक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगामी समय के अंदर जो चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर एक भी चीज़ आपके लिए मिस हो जाती है तो आगामी 3 से 4 महीने तक आपके लिए समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम शासन आदेश के अंदर कही गई हैं, वो वही चीज़ें पीएनपी के माध्यम से कॉपी पेस्ट भी कर दी गई हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो कि पीएनपी ने नहीं दी हैं लेकिन आपके लिए आवश्यक है। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को लेकर जब आप नियुक्ति लेने जाते हैं तो ये नियुक्तियां रद्द कर देते हैं। मैं आप सभी को सत्य के माध्यम से चीज़ें समझाना चाहूँगा, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि किसी से भी अगर गलती होती है तो चयन तो पूरे तरीके से रद्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप सभी ने लाइक कर दिया हो, जरूर नहीं किया अभी कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि संशोधन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, अगर आवेदन में गलती हो गई है तो जाइए सबसे पहले आप उसको ठीक कर लीजिए। 90% वाली बात को सुनकर के जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी के पास नहीं होगा गारंटी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने गलती की है तो अपने आवेदन को दोबारा से भर दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें आपके संशोधन के बारे में, छोटा सा पॉइंट है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको दोबारा से अपने फॉर्म को भरिए, रिजेक्ट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लास्ट में आप भरेंगे वही आपका वैलिड होगा, बाकी सारे हट जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर होता है कि गलती हुई है तो भूल कर भी ये मत सोचो कि बाद में कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे आपने अनुक्रमांक गलत भर दिया हो, आपके प्राप्तांक पूर्णांक गलत हो गए, तो भूल करके ये तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई अभी हो गया, चलो कोई नहीं 700 रुपये के चक्कर में। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक नौकरी मिले तो कोई भी गलती अगर आपसे हो गई है, मेल फीमेल की जगह पर हो गई है या फिर प्राप्तांक पूर्णांक गलत भर गए, कमेंट बॉक्स के अंदर ये मत पूछना कि सर मेरी ये गलती हो गई, चल जाएगी, चलेगा बाद में कुछ नहीं, समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। सीटों की संख्या बहुत कम है, 169,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी को पता है वहां 69,000 थी, लेकिन यहां पर सिर्फ 1800 सीटें हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा लेना। संशोधन को लेकर मत पूछिएगा क्या होगा, बस आपको क्या करना, दोबारा से फॉर्म भर देना है, यही एक अंतिम उपाय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि संशोधन की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हजारों नियुक्तियां रद्द हो गई हैं, कट ऑफ 60-65 पे क्वालिफाई हो गए थे, चयन सूची के अंदर नाम भी आ गया था लेकिन फिर भी बाहर हो गई। रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया, चाहे वो प्राप्तांक पूर्णांक का रहा हो, मेल फीमेल का रहा हो या फिर आपने ओबीसी एससी कर दिया हो, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, नुकसान बहुत बड़ा होता है इससे, और शेयर कर देना सभी अभ्यर्थियों के साथ में। पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा, सब्जेक्ट को लेकर जो छात्र परेशान है उससे पहले कुछ और चीज़ें भी हैं आपके पास में जो कि अभी समय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है गाइडलाइन के माध्यम से, जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास में परीक्षा के मतलब परीक्षा से पहले ही होना चाहिए, वैसे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप लोग इस भर्ती के अंदर आवेदन करें अंतिम तिथि तक सभी अर्हताएँ होनी चाहिए। तो अगर आपने बीएड किया है तो होना चाहिए, टीईटी किया है तो भी होना चाहिए, और भी तमाम जो भी आपके पास है वो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा
अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मांगी जाती हैं जाति और निवास को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। 22/12/2018 को नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी, उससे पहले के जाति निवास मांग लिए गए। हालांकि मैंने बताया था कि जब दोबारा से भर्ती का विज्ञापन आएगा उसकी अंतिम तारीख तक का आपके पास में जाति निवास होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं विरोधाभास चीज़ें देखने के लिए मिली। बहुत सारे छात्रों ने प्रदर्शन किया तब हुआ, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या पहले से कम है। ध्यान रखिए, अगर आपने जाति निवास अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आज हटाकर कल भी आप लोग बनवाने के लिए डाल दीजिए। परीक्षा से पहले के तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि बाद में हालांकि दोबारा विज्ञापन जारी होगा उसके बाद के भी चल जाएंगे। अब ये मत पूछना सर मेरे पास कब का है, किसी के पास कोई भी जाति निवास है अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है तो आप उसको रख लो, अगर नहीं है तो 6 महीने पुराना 7 महीने पुराना हो गया है, 2 साल पुराना 3 साल पुराना 2013 का है 14 का है, अगर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है तो सीधे तौर पे जाइए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं जाति और निवास के बारे में, अपने बनवा लीजिए। लगभग 70-80% ऐसे तो छात्र होंगे, कमेंट करके बताना किस किस के पास में जाति निवास अभी राइट नाउ नहीं है। अगर नहीं है तो अभी बनवाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, परीक्षा से पहले का होगा तब भी चल जाएगा। हालांकि विज्ञापन के अंदर ये कहा गया है कि अंतिम तारीख से पहले का होना चाहिए, हालांकि आप परीक्षा के पहले का भी रख लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। 69,000 में मैंने आपको बताया कि दोबारा जो विज्ञापन आया था उससे पहले का मांगा गया था। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं कि आपको गलतियाँ नहीं करनी, कोई भी गलती की है उसका कोई सुधार नहीं है, अभी आप चाहे तो कर सकते हैं संशोधन करके दोबारा से फॉर्म भर के। दूसरा हो जाता है कि जाति निवास अगर आपके पास में नहीं है, आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, नौकरी के लिए आप लोग जाएंगे वहाँ पे आपको फिर समस्या होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 2 साल का मौका दिया गया इनको कि जाति निवास रखी है, लेकिन 28/5/2020 के बाद के जो जाति निवास थे उनके यहाँ पर नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई। अब ऐसे में 1,000 छात्र फिर से यहाँ पर नुकसान हुआ। तो आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए, अभी से अपने जाति निवास बनवा लें, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा से पहले के होंगे तब भी चल जाएगा। मैं आपको अश्योर करके कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को 2 महीने बाद उठा करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो नया विज्ञापन आएगा उसके अंदर भी आपको छूट मिल जाती है, लेकिन फिर भी पहले से बनवा लो, बाद में आवश्यकता पड़ने पर आपके पास होना चाहिए। 2 पॉइंट आपके और क्लियर हो जाते हैं। 3rd पॉइंट आप सभी को पता होगा, लगभग 70-80% के पास तो जाति निवास नहीं होंगे, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। एक और जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ, अगर आप लोगों की मार्कशीट के अंदर, आपकी किसी भी मार्कशीट के अंदर कोई भी गलती है, आपके नेम में गलती है, आपके पिता के नेम में गलती है, कुछ लोगों का देवी लगा हुआ है किसी के में नहीं होता है, किसी का ये भी देखने के लिए मिल जाता है कि पिता का जो नेम है वो चेंज हो जाता है, मान करके चलिए किसी का नाम रमेश है, रमेश की जगह पर अगर हम आगे के लगा देते हैं वो कमेश बन जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बुरा मत मानना लेकिन सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर 69,000 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि अगर पिता का नाम भिन्न पाया जाता है तो आपकी जो नियुक्ति वो रद्द कर दी जाएगी। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या होती है, शर्मा में आर हट गया, बस इतना आ गया, ठीक है, तो उसको हम स्पेलिंग मिस्टेक मान लें क्योंकि नया शब्द नहीं बन रहा। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके शब्द ही बन जाते हैं दूसरे, और जब दूसरा शब्द एक जैसा बन जाता है तो उस पर कहने की संशय आ जाता है चयन समिति के माध्यम से, फिर आपको पेंडिंग में लगा दिया जाता है, वेटिंग में लगा दिया जाता है, और सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है नहीं है कि पहले फ्रेश अभ्यर्थी को नियुक्ति करवा दें बाद में वेटिंग वालों को मौका मिल जाए। इसलिए अगर आपके जाति निवास या फिर किसी के अंदर नाम की दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबा समय है, आप लोग सही करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी नियुक्ति में 2 से 3 महीने लगेंगे। लगभग 70-65% लोगों के कहने की वोटर आईडी हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई गलती पाई जाती है, काफ़ी लंबा समय मिलेगा, आप लोग इन चीज़ों को पहले से ठीक करवा लेना, अंत में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चाहे आप किसी में करवाएं या ना करवाएं, 10th और 12th के अंदर है, बीएड बीटीसी की या फिर किसी अन्य मार्कशीट के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, आप उसको अभी से सही करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला देखने के लिए मिलता है जो कि आपकी डिग्रियों का होता है, आपकी मार्कशीट का होता है। गलती तो आप सही करवा लेंगे, लेकिन अगर ऐसे में आप लोगों के पास में डिग्री या फिर आपकी जो मार्कशीट नहीं होती है तब भी आपको नियुक्ति के समय समस्याएं होती हैं। हालांकि आपकी अभी 1.5 महीने का समय है, लेकिन जो आपकी प्रोविजनल डिग्री होती है या फिर आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट होती है वैसे ओरिजिनल लेने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं मिलती है तो परीक्षा के तुरंत बाद या हो सके तो पहले 6 महीने पुराने तक की कहने की आपकी जो प्रोविजनल डिग्रियां हैं, मार्कशीट हैं, वो लग जाती हैं। अगर ऐसे में अंदाजे के तौर पर देखें कि परीक्षा के 3 महीने के बाद आपकी नियुक्ति होती है तो 6 महीने पुरानी आपके पास में जो प्रोविजनल डिग्री है वो होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपकी परीक्षा होगी
तब मैं आपको एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर छात्र पूछेंगे सर मेरी ये गलती है, पिता का नाम गलत है तो अभी सही करवाइए, जाति निवास नहीं है तो अभी बनवाइए, अगर आपने संशोधन चाहते हैं तो दोबारा फॉर्म भर दीजिए, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट नहीं है तो पहले से इंतजाम करें, क्योंकि या तो परीक्षा होने के तुरंत बाद उसमें लग जाएँ, अगर नहीं होता है तो पहले से भी लेकर के रख सकते हैं, अगर ओरिजिनल ले ली है तो सारी चीज़ों की समस्याएँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। इसी से संबंधित एक और मामला देखने के लिए मिलता है कि सर मेरे हाथ की बनी हुई है या फिर मेरी मार्कशीट डिग्रियां खो गई हैं या निवास पत्र खो गया है, कुछ भी अगर आपके पास में नहीं है तब भी आपके पास होना चाहिए, हाथ की बनी हुई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अंत में आकर आपको बहुत सारी परेशानियां देखने के लिए मिलती हैं, फिर मैं आप सभी को बता देता हूं। तो लगभग ये तो कुछ ही चीज़ें जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है, अगर आप लोग कहेंगे स्पेशल आपकी डिमांड पर 69 का संशोधन का आदेश था जिसके अंदर 35 से 40 पॉइंट देखने के लिए मिले थे, अगर आपकी 35 से 40 से गलतियां हो जाती हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है, उसको लेकर मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो ऐसे में 90% लोगों के पास में चीजें नहीं होती हैं, कुछ के पास जाति निवास नहीं होगा, किसी की कोई गलती होगी होगी, कुछ लोगों के पास में मार्कशीट नहीं होगी, कुछ लोग इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद बाद में PNP के अनुसार आपको संशोधन का मौका मिले, और ये सारी जानकारियाँ मैंने आप सभी को दी हैं PNP के अनुसार ही हैं, सरकार के अनुसार हैं, जो जो चीज़ें पहले से मांगी जाती हैं वही आप सभी को बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आप अपने OBC SC ST की गलती कर देते हैं, अगर आप PH कर देते हैं, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता है तब भी आपकी नियुक्ति यहाँ से रद्द हो जाती है ना, ऐसे में अगर आपने बाहरी राज्य लिख दिया है तब भी आपकी नियुक्तियाँ रद्द हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि 35 से 40 ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे छात्र निवास और जाति को लेकर पूछ रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों के पास में नहीं है तो बनवा लो, ये मत सोचो कि आवेदन की अंतिम तिथि आने वाली है, अगर परीक्षा से पहले का है तब भी वो चल जाएगा, जाति निवास को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी शैक्षिक योग्यता का कोई भी प्रमाण है जो कि आपके पास में नहीं होगा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तो आप इस भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, जैसे कि CTET वगैरह को लेकर अगर किसी के पास में मार्कशीट नंबर वगैरह नहीं है तो NA डाल सकते हैं, पहले बता दिया गया है। ठीक है, पासिंग ईयर को लेकर बता दिया, जिस साल आपका रिजल्ट आया तो वही चीज़ें डालिए, बाकी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं सभी सवालों के जवाब आप सभी को दे दूंगा। वीडियो के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्लैश ब्रिक माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।